हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसा मोटर पॉइंट करने वाला हूँ, उसका नाम है लेबडोराइट 1.8। ये बिल्कुल न्यू अल्ट्रा लाइट वर्जन है मोटर है। और गाइस, इस मोटर को बिल्कुल आप कोई भी ओल्ड पीसी या लैपटॉप में स्मूथली रन कर पाएंगे। और गाइस, ये मोटर 1 GB एंड 2 GB रैम पीसी में स्मूथली रन होगा। और गाइस, विदाउट ग्राफिक्स कार्ड ही रन होगा, ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगा इस मोटर को रन करने के लिए। और गाइस, आज तक मैंने जितने भी मोटर गए सबसे बेस्ट एंड लाइट वर्जन है मोटर है। इसमें आपको परफेक्ट की मैपिंग मिल जाएगा, किसी पे कस्टमाइज कर सकते हैं। और गाइस, इस मोटर को आप कोई भी ओल्ड प्रोसेसर इंटेल एएमडी का ड्यूल कोर प्रोसेसर में स्मूथली रन कर पाएंगे। और गाइस, इस मोटर को आप कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे, फ्री फायर को कैसे इंस्टॉल करेंगे, इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन हाउ टू डाउनलोड दिस एंड्रॉइड एमुलेटर। सो गाइस, सबसे पहले इस मोटर का लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, और से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस मोटर को। इसका इंटरफेस देख सकते हैं, लेबडोराइट। यहाँ पे देख सकते हैं 2 GB रैम पीसी या लैपटॉप में आप बिल्कुल स्मूथली रन कर पाएंगे विदाउट ग्राफिक्स कार्ड। और गाइस, ये 1 GB रैम पीसी में भी स्मूथली रन होगा। आप ट्राई करिए इस मोटर को, अगर कोई भी मोटर रन नहीं हो रहा है। और गाइस, ये बिल्कुल अल्ट्रा लाइट वर्जन है मोटर है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका सेटअप साइज ओनली 271 MB, बिल्कुल लाइट वर्जन है। सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड ऑप्शन, इसमें क्लिक करेंगे तो इसका डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली ऐसे आप इस मोटर का EXE फाइल डाउनलोड कर लीजिए। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं मोटर का जो EXE फाइल डाउनलोड हो रहा है, ओनली 271 MB का फाइल है। तो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। सिंपली इसको आप ओपन कर लीजिए, यहाँ पे रन एडमिनिस्टर करके ओपन करिए तो कोई भी इंस्टॉल होने में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ गया। सिंपली यहाँ पे आई एग्री में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ गया, देख सकते हैं यहाँ पे। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मोटर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। और गाइस, ये बिल्कुल बहुत ही फास्टर एंड लाइट वर्जन है मोटर है। यहाँ पे बहुत ही फास्ट इंस्टॉल होगा, देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। और डेस्कटॉप के अंदर भी शॉर्टकट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं मोटर स्टार्ट हो रहा है लेबडोराइट, बहुत ही फास्ट ओपन होता है गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं बिल्कुल लाइट वर्जन है। और साइड में भी देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पावर, सभी ऑप्शन आपको मिल जाएगा वॉल्यूम का। और गाइस, यहाँ पे आप डायरेक्ट कोई भी एपी को भी इंस्टॉल कर पाएंगे। यहाँ पे फुल स्क्रीन, यहाँ पे सेटिंग के अंदर देख सकते डिस्प्ले, ग्राफिक्स, अगर आपके पास ग्राफिक्स कार्ड है तो ओपन जीएल भी रख सकते हैं। मेरे पास ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्स, बाकी सेटिंग सब सेम ही रहेगा। सेटिंग के अंदर भी देख सकते हैं यहाँ पे। और गाइस, ये बिल्कुल लाइट वर्जन है, ये 1 GB एंड 2 GB रैम पीसी के लिए सबसे बेस्ट एंड्रॉयड मोटर है। तो गाइस, यहाँ पे प्ले स्टोर से हम साइन इन नहीं करेंगे, हम फ्री फायर का APK एंड OBK को यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल करने वाले हैं। तो जो सबसे पहले आप कोई पे ब्राउज़र ओपन कर लीजिए एंड यहाँ पे सर्च करिए एन ऑन फ्री फायर APK एंड OBB। तो सबसे पहले जो वेबसाइट आ जाएगा उसको ओपन करिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जैसे यहाँ पे फ्री फायर का APK और OBB डाउनलोड कर लीजिए। तो मैंने पहले से डाउनलोड कर चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं APK एंड OBB। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन डाउनलोड में जाएंगे तो यहाँ पे APK का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली ओपन करेंगे तो यहाँ पे फ्री फायर देख सकते इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, देख सकते बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है। यहाँ पे देख सकते फ्री फायर इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। सो गाइस, देख सकते हैं फ्री फायर इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे देख सकते ग्रीन स्क्रीन आ गया, बट ये ओपन नहीं होगा क्योंकि इसका OBB फाइल अभी भी PC के अंदर पड़ा है। OBB फाइल को एमोडर के अंदर मूव करना पड़ेगा। तो कैसे मूव करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते OBB फाइल, यहाँ पे जो इसको डाउनलोड किया था इसको पहले एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कॉल को क्लिक करेंगे तो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते OBB फाइल आ गया यहाँ पे। तो सिंपली इस OBB फाइल को रिमोटर के अंदर मूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सेटिंग में जाइए, यहाँ पे देख सकते शेयर फोल्डर, यहाँ पे देख सकते इसके लोकेशन, इस लोकेशन को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप दिस PC में जाइए और सी ड्राइव के अंदर जाइए, देन यहाँ पे आप इस लोकेशन को यहाँ पे पेस्ट करिए, इंटर क्लिक करिए। तो गाइस, यहाँ पे देखते इस फाइल के अंदर, इस फोल्डर के अंदर उस OBB फाइल को मूव करना पड़ेगा सबसे पहले। तो चलिए इसको OBB फाइल को मूव करते हैं, कट करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं यहाँ पे। देन उसके बाद आपको मोटर में जाना पड़ेगा फाइल मैनेजर, देन होम, एंड होम में जाने के बाद यहाँ पे MNT इस फोल्डर को ओपन करना पड़ेगा।
देन यहाँ पे देख सकते हैं शेयर फोल्डर, देन लेफ्ट राइट शेयर, यहाँ पे देखिए तो ओवी फाइल आ चुका है। तो सिंपली इस ओवी फाइल को आपको कॉपी करना पड़ेगा, ऐसे कॉपी कर लीजिए, देन होम में जाइए, देन फाइल मैनेजर, देन यहाँ पे एमोटर में स्टोरेज में जाइए सबसे पहले स्टोरेज, देन एसडी कार्ड, देन यहाँ पे एंड्रॉयड, यहाँ पे एंड्रॉयड में जाने का ओबीबी, देन यहाँ पे फ्री फायर, देन यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए फ्री फायर ओबीबी के अंदर। यहाँ पे देख सकते सक्सेसफुली यहाँ पे कॉपी हो चुका है, आप यहाँ पे ओबीबी फाइल कॉपी हो चुका है। सिंपली आप फ्री फायर ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे देख सकते ग्रीन लोगो आ गया, और गाइस यहाँ पे देख सकते लोडिंग स्क्रीन भी आ गया। और गाइस इस एमोटर में फ्री फायर को आप कोई भी फेसबुक गूगल से लॉगिन कर सकते हैं, बस फेसबुक से लॉगिन करना चाहते हो फेसबुक से, फेसबुक को पहले एमोटर के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन लॉगिन करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फ्री फायर के अंदर लॉगिन हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे ग्राफिक्स अल्ट्रा सेट हो चुका है, यहाँ पे स्टैंडर्ड रखिए, जो सबसे बेस्ट ग्राफिक्स सेटिंग है स्टैंडर्ड और स्मूथ रखिए। अगर आपके पास बिल्कुल 2GB रैम 1GB रैम है तो स्मूथ रखिए। यहाँ पे कंट्रोल है, इसका की मैपिंग आपको ऑटो की मैपिंग नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे मैनुअली की मैपिंग सेट करना पड़ेगा जैसे कह रहा हूँ। और गाइज इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मेरे चैनल में, आप जस्ट प्लेलिस्ट के अंदर लेफ्ट राइट एमोटर का जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर इस वीडियो का मिल जाएगा, उस वीडियो को जस्ट देखिए और यहाँ पे आपके हिसाब से परफेक्ट की मैपिंग सेट करिए जैसे कर रहा हो, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैपिंग हेड सेट हो चुका है, सेव बॉल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेव हो जाएगा। चलिए गाइज आपको एक गेम प्ले करके दिखाता हूँ। और गाइज अगर आपके ओल्ड पीसी या लैपटॉप पे कोई भी एमोटर सही से काम नहीं कर रहा है तो ज़रूर इस एमोटर को एक बार ट्राई करिए, बिल्कुल 100% काम करेगा, ये बिल्कुल अल्ट्रा लाइट वर्शन एमोटर है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैपिंग भी यहाँ पे स्मूथली चल रहा है, कि मैपिंग भी यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसका ग्राफिक्स भी देख सकते हैं, बिल्कुल स्मूथली रन हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। और गाइस इस एमोटर को बिल्कुल आप कोई भी ओल्ड प्रोसेसर होता है जिसके प्रोसेसर के अंदर अगर 1 कोर है या 2 कोर है तब भी जो है बिल्कुल स्मूथ रन होगा, विदाउट ग्राफिक्स कार्ड ही रन होगा। तो ज़रूर आप इस एमोटर को एक बार ट्राई करिए आपके ओल्ड पीसी लैपटॉप में। गाइस देख सकते हैं इसका गेम प्ले बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, मेरे पीसी में कोई भी ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तब भी जो है यहाँ पे इसका ग्राफिक्स देख सकते हैं, ग्राफिक्स जो स्टैंडर्ड सेट हो चुका है यहाँ पे एमोटर के अंदर देख सकते हैं। तो गाइज आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।